जय हिंद दोस्तों। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अभी कुछ ऐसा अनाउंस किया है जिसे सुनकर पूरी दुनिया शॉक में है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने रिवाइव कर दिया है सोवियत इरा का हॉनरेरी टाइटल मदर हीरोइन। क्या मीनिंग है टाइटल मदर हीरोइन का और क्यों रिवाइव किया है इस टाइटल को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रशिया यूक्रेन वार में रशिया ने बहुत ज़्यादा सोल्जर्स खोए हैं और उसी के साथ रशिया का बर्थ रेट भी कम होता जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए पुतिन ने अनाउंस किया है 1 मिलियन रूबल्स का अवार्ड, जो कि इक्विवेलेंट होता है 16,000 यूएस डॉलर के, उन वुमेन्स के लिए जो जन्म देती हैं 10 बच्चों को, और साथ ही उनको टाइटल दिया जाएगा मदर हीरोइन का। ये रिवार्ड एक वुमेन को तब दिया जाएगा जब उसका 10वां बच्चा 1 ईयर का हो जाएगा। अगर उन 10 बच्चों में से कोई वार में मारा जाता है या फिर किसी भी कारण से उनकी डेथ हो जाती है तो भी ये रिवार्ड उनको दिया जाएगा। ये टाइटल कोई ऐसा वैसा टाइटल नहीं होगा, ये इक्वल होगा रशिया के हाई रैंकिंग टाइटल हीरो ऑफ रशिया और हीरो ऑफ लेबर के। मदर हीरोइन टाइटल को 1944 में पहली बार इस्टेब्लिश किया था सोवियत संघ के लीडर जोसेफ स्टालिन के द्वारा, जब सोवियत्स को मैसिव पॉपुलेशन लॉस हुआ था वर्ल्ड वार टू में। लेकिन बाद में 1991 में जब सोवियत संघ टूट गया तो ये अवार्ड भी बंद हो गया। पुतिन ने ये टाइटल प्रपोज किया था पहली बार रशिया के चिल्ड्रंस डे हॉलीडे पर, जो कि होता है 1 जून को, और क्लेम किया था कि इससे रशिया के लार्ज फैमिलीज का फिर से रिवाइवल होगा। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर में जो लाखों सैनिक मारे गए हैं, क्या इस अवार्ड से उनकी भरपाई कर सकता है रशिया? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।